जो भी आइडियाज डाल रहे हो 50 लोग एटलीस्ट आपके पोस्टर से एग्री कर जाएं, समझ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली नया वीडियो आप लोगों पर लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेरीज मुझे आई है कि सर पोस्टर डिज़ाइन में एग्जैक्ट में क्या करना होता है, प्लस पोस्टर डिज़ाइन जो उनकी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के पोस्टर डिज़ाइन देखे हैं, बहुत ज़्यादा वाहियात हैं गाइज, वो नहीं चलने वाले निफ्ट NID में। यस, आई एम ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करने की नीड है, क्योंकि पोस्टर डिज़ाइन इस बार आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है निफ्ट में भी और NID में भी, राइट, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो चलिए आज इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सो प्लीज गाइज, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, एंड गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, यहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डिजाइनिंग फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पोस्टर डिजाइन? सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, उसकी डिमांड क्या है। सो गाइस, पोस्टर डिजाइन ऑब्वियसली बात है, हमारा पोस्टर्स कहां लगेगा अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने पोस्टर बना दिया और छप भी गया, ऑब्वियसली चौराहे पे लगने वाला है, जहां पे 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग आपके पोस्टर्स को देखेंगे, राइट। सो अभी एक देखो सबसे बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स जो देने जा रहा हूं, पोस्टर डिजाइनिंग आप ऐसा बनाओगे, अपने लिए नहीं बना रहे हो पोस्टर डिजाइन, लोगों के लिए बना रहे हो। सो जो भी आइडियाज डाल रहे हो 50 लोग एटलीस्ट आपके पोस्टर से एग्री कर जाए, समझ में आ जाए। अगर आपने टैगलाइन नहीं लिखी है, सेव द एनवायरनमेंट है, सेव द गर्ल चाइल्ड है, वीमेन एम्पावरमेंट है, जो भी टॉपिक्स है ना, वो 50 लोग देख के बोल दें कि भैया ये पोस्टर आपका उसी से रिलेटेड है, क्योंकि वही आपके मार्क्स डिसाइड करता है कि एग्जामिनर्स को एग्जैक्ट में आपका वो पोस्टर उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। सो आइडिएशन का बता दिया, आइडिया शुड बी क्रिएटिव, नॉट कॉपीड फ्रॉम पिंटरेस्ट एंड द गूगल। आइडिया कैसे बनाते हैं, नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज कैसे बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं एक नए आइडिया को, क्योंकि इस एग्जाम को निकालने का केवल एक ही टिप्स एंड ट्रिक्स है, बहुत सिंपल फंडा है। कैसे भी करके आपको क्रिएटिव आइडियाज डालने हैं, जो कि 20,000 बच्चा बैठ जाए वो भी ना बना पाए। उसको कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, मेरे नए क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ऑलरेडी वहाँ है जो ग्रुप में हम प्रोवाइड कराते हैं। सो आप एक फ्री क्लासेस एंड डेमो क्लासेस ले सकते हो। इट्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट, आप सभी लोग कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कुछ भी हो, नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक बार मेरी क्लासेस जरूर ले लेना। बहुत ज़्यादा आइडियाज आपको मिल जाएगा कि निफ्ट NID को क्रैक कैसे करते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको आपको है जो व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, वहाँ के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो पोस्टर डिजाइनिंग आपका क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, तभी अप्रूव होगा, क्योंकि निफ्ट NID बहुत से बच्चे निकाल लेते हैं, बट बेस्ट रैंक आएगी तभी आपको कैंपस मिलेगा, अदरवाइज काउंसलिंग के बाद भी आपको कैंपस में, ठीक है, राइट। इस वजह से सो आपको बता दिया। प्लस सेकेंड चीज आपको क्या डालना है, सेकेंड चीज, अगर आप पोस्टर को कलर कर रहे हो, सो कलर कॉम्बिनेशन उस अकॉर्डिंग जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें सेव द एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको पॉजिटिव कलर भी डालने पड़ेंगे, नेगेटिव कलर डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहे हो या फिर कुछ वैसी चीजें दिखा रहे हो। सेव द गर्ल चाइल्ड, वहां पे एक होप है, सेव है, तो मतलब आप कैसे चीजों को करोगे वहां पे, ऑब्वियसली बात है अगर आप किल कर रहे हो, रेड कलर हो गए, पॉजिटिव कलर्स भी दिखाने, प्लस सेव को लेके कौन कौन से कलर्स हैं उनको पुट करना पड़ेगा। करप्शन हो गया, दैट इज अ नेगेटिव, वहां पे आपको डार्क कलर्स यूज करने पड़ेंगे, ब्लैक करने करेंगे, ब्राउन करने पड़ेंगे, राइट, और भी कलर्स। तो इस वजह से जैसा आपका पोस्टर्स होगा वैसे कलर्स आपको डालने ही होंगे, क्योंकि इनके भी मार्क्स हैं। तीसरा मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपका जो टाइपोग्राफी है वो आपके पोस्टर से मैच करना चाहिए। जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर आपका टाइपोग्राफी बहुत एक है जो सोशल टॉपिक को लेके है, तो वहां अंदर जो आप टाइपोग्राफी करोगे, जो भी आप लिखने वाले हो, वो आपके सोशली होने चाहिए, किडिस नहीं होने चाहिए। वही सेम पोस्टर मुझे किंडरगार्टन के लिए चाहिए, बच्चों के रिलेटेड कोई भी रैली निकलने वाली, उनका कोई ब्रांड आ रहा है या कुछ फूड का है, तो वैसे ही आपके बबल्स हो जाएंगे, उसमें क्रेजी बन आ जाएगा, प्लस आप उनके सेप को तोड़ मड़ोड़ के भी उस पोस्टर्स में डाल सकते हो, राइट। सो ऐसे करके आपको टाइपोग्राफी पे वर्क करना है। सो तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है पोस्टर्स पे। पहला,
आइडिया शुड बी यूनिवर्सल, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन शुड गो अकॉर्डिंग टू योर यू नो गिवन प्रॉपर जो क्वेश्चन दिया गया उस टॉपिक को लेके, तीसरा टाइपोग्राफी पे आपको अच्छे से वर्क करना है, और चौथा पोस्टर्स को मैं बताना चाहता हूँ गाइज टैगलाइन जरूर दीजिएगा। आपको लगता है कि आप एक टैगलाइन देना चाहते हो, प्लीज़ टैगलाइन देना, अपना भी ब्रेन यूज करना। व्हाई? बिकॉज बहुत से बच्चे हैं सेव वही सेव द एनवायरनमेंट लिख के चले आते हैं। जरूरी नहीं आप सेव द एनवायरनमेंट क्वेश्चन को सीधा आप चेप के आओ, आप अच्छी टैगलाइंस भी लिख सकते हो। प्लस गाइज बहुत से बच्चे नीचे नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस लिख देते हैं, वो लिखने की कोई नीड नहीं है, दैट इज द नॉर्मल पोस्टर, उन्होंने बैनर नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। सो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कौन से आइडियाज रिजेक्टेड हैं, कौन से आइडियाज एक्सेप्टेड हैं अकॉर्डिंग टू द निफ्ट और एनआईडी के माइंडसेट से, जो एग्जामिनर सोचता है। बच्चों के काम को लेके आऊंगा, जो मेरे बच्चे काम करते हैं या फिर बाहर से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हो उससे रिलेटेड। सो प्लीज गाइस आपके पास ये लास्ट चांस होगा, कई लोगों का फर्स्ट यही इंटर कर रहे होंगे अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई क्लासेस, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज अगर हो सके आप मेरी है जो प्रॉपर क्रैश कोर्स 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बच्चे वहां पे इतना क्रिएटिव वर्क लाते हैं ना, उसी एक घंटे में आप एक आइडिया बनाओगे, वो बच्चे 30 बच्चे 30 आइडियाज लाएंगे, आप 30 जगह से सीखोगे। इसलिए ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको सच में जेन्युइनली क्रैक करना निफ्ट एनआईडी, हम आपका क्रैक कर सकते हैं 100% सियोरिटी के साथ, ठीक है। सो प्लीज गाइज आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इसलिए वीडियो को आप पूरा देख लिए होगे, कमेंट करके बताओ मेरे वीडियोज कैसे अच्छे लगते हैं, प्लस नेक्स्ट वीडियोज भी आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, जैसे वीडियो आएगा आपको अपडेट आ जाएगी। प्लस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप ये वीडियोज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि पोस्टर डिजाइन में क्या क्या 3-4 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिससे आपके नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जा रही, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।